बीते दिनों कांग्रेस ने पूर्ववर्ती रमन सरकार पर 1,00,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राज्य सरकार पर केंद्र के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कट कॉपी और पेस्ट लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय के 34 घोटालों का आरोप लगाया है। सत्ताधारी पार्टी आरोप नहीं लगाती बल्कि जांच करती है। अजय चंद्राकर ने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार जांच कराए या ना कराए, लेकिन 18 दिसंबर के बाद हमारी सरकार बनने पर हम जरूर जांच कराएंगे और पूरा वर्तमान कैबिनेट सलाखों के पीछे होगा। एक दिन पहले कांग्रेस के कॉपी पेस्ट प्रवक्ताओं ने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 34 बूंदियों पर लाखों करोड़ रुपये का। मैं कांग्रेस या कांग्रेस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस दिन से 2014 तक दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब ये क्या ताली बजा बजा के नाच रहे थे? क्या सो रहे थे? क्या 5 साल से होने जा रहे हैं इनकी सरकार है, ये सरकार चला रहे हैं कि मोंजरा कर रहे हैं? कहीं पे भी देश में सत्तारूढ़ दल घोटालों की लिस्ट जारी नहीं करती, वो जांच करवाती। भूपेश बघेल जी में, माननीय मुख्यमंत्री में ये हिम्मत है, नैतिकता है तो वो जांच करवाएं, ये मोंजरा करना छोड़ें, मर्दानगी की बात करें। 10 साल तक ताली बजा रहे थे उसको बंद करें, और नहीं है तो इस्तीफा देकर घर में बैठे। जिन घोटालों की वो बात कर रहे हैं उसमें मैं 2 बिंदुओं को बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं नई चीजें बोलूंगा। नान घोटाले में, तथा कथित नान घोटाले में न्यायालय कर रही जांच, जो जांच होगी, जो पड़ताल होगी, देखा जाएगा उसको। लेकिन जिन 2 अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री से लेके संबंधित मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, आगे जो मैं बातचीत करने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने अरबों रुपये का जो घोटाला किया है 4.5 साल में, हम भूपेश बघेल जी की तरह घोटाला जारी नहीं करेंगे। 18 दिसंबर को नई सरकार जब शपथ लेगी, मैं विधानसभा में भी बोल चुका हूं, पूरी कैबिनेट जेल में रहेगी जांच के बाद। तो उन 2 अधिकारियों को गुरु मंत्र लेने के लिए अपने सरकार में रखे हैं क्या कि आप 36,000 करोड़ का घोटाला कैसे किए? हम इससे ज्यादा करना चाहते हैं, इसके लिए हमको गुरु मंत्र दीजिए। वो की पोस्ट में है सरकार की। मैं तो महिलाएं हैं इसलिए नाम जारी नहीं करूंगा। कोर्ट के निगरानी में प्रियदर्शनी इंदिरा बैंक का के तथाकथित घोटाले की नार्को टेस्ट की जांच हो रही है।